तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज की कहानी रामायण के उस भाग की है, प्रभु श्री राम रावण से युद्ध चुके होते हैं और रावण की मृत्यु होने वाली होती है। प्रभु श्री राम की सेना में कृष्ण का माहौल होता है। श्री राम जी लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, इस सदी का सबसे बड़ा ज्ञानी रावण, मृत्यु से पहले उससे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, मजाक है भैया, उस घमंडी और अहंकारी रावण से ज्ञान प्राप्त करूं, इसने भाभी माँ का अपहरण किया था। प्रभु श्री राम कहते हैं, रावण से हमारा युद्ध खत्म हो चुका है, उसको उसके पापों का दंड मिल चुका है, इसलिए अब जाओ उससे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी की इच्छा तो नहीं थी, किंतु बड़े भैया का आदेश था। जाते हैं और रावण के सर के पास खड़ा होकर कहते हैं, रावण हमारी अंतिम समय करीब है, उसे पहले ज्ञान देकर जाओ। रावण अपने सर को दूसरी तरफ कर लेता है। लक्ष्मण जी देखकर क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा में वहां से चले जाते हैं। प्रभु से कहते हैं, तो समय में भी उस अहंकारी का अहंकार नहीं गया है भैया। श्री राम कुछ नहीं बोलते, खुद रावण के पास जाकर बैठ जाते हैं। कहते हैं, हे रावण, महाज्ञानी है, लेकिन आपसे एक भूल हो गई, इसका दंड मैंने आपको दिया। जाने से पहले इस संसार को ज्ञान देते जाइए। रावण कहता है, पहली बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने अपने भाई को दिखा दिया कार और अनुशासन क्या होता है। ज्ञान सर के पास खड़े होने से नहीं मिलता, गुरु के चरणों में बैठने से मिलता है। दूसरी बात, तुम में और मुझ में एक अंतर है, हर मामले में तुमसे श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में श्रेष्ठ हूँ, बल में श्रेष्ठ हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पास राजमहल है और मेरे पास सोने की नगरी लंका। श्री राम फिर से कहते हैं, लेकिन आपने उत्तर नहीं बताया। रावण कहता है, तुम्हारा भाई लक्ष्मण अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा है, मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा है। उसने तुम्हें बताया कि रावण की नाभि में तीर लगेगा तब रावण की मृत्यु होगी। वो बताना मैं तुम्हारे साथ खड़े हो, तुम जीवन का कोई भी युद्ध जीत सकते हो। भाई अपने अगर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो, जीवन में कोई भी युद्ध सबसे सरल युद्ध तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन युद्ध साबित हो। छोटी सी कहानी हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है, हमारे जीवन में अपनों का महत्व समझाती है। किसी ने सच ही कहा है कि पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड प्लेन या सजेशन के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में।